चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 2 करेंगे इस वीडियो में. क्वेश्चन 2 है, इन फिगर ट्रायंगल ओडीसी, यहाँ पर ओ है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री, सीओडी इज सीडीओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी. ये तीनों को फाइंड करना है. यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारे पास ये एक दिया हुआ है 125 डिग्री और हमको सबसे पहले फाइंड करना है एंगल डीओसी. डीओसी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना. तो हमको दिख रहा है ये एक लीनियर पेयर है, ये और ये दोनों एंगल. ठीक है, लीनियर पेयर आप जानते हैं एक लाइन में जो इस तरह से बनता है टोटल 180 डिग्री का होता है. ठीक है ना, किसी भी लाइन में इस तरह से बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल इसी तरह का बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर है. तब हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डीओसी प्लस ट्रायंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री. कहां से आ रहा है ये, हमारे पास लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर है इसलिए ये 180 डिग्री है. डीओसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, बीओसी का वैल्यू गिवन है 125 डिग्री. अब इसको निकाल लेंगे हम, ट्राइंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो डीओसी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 55 डिग्री. ये हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. ठीक है, आगे यूज भी होगा. ये 55 डिग्री यहां पर आ गया, 55 डिग्री. ठीक है, अब हमको फाइंड करना है डीसीओ. डीसीओ मींस एंगल सी फाइंड करना है. तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, डीओसी ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में दो एंगल दिए हैं, थर्ड एंगल निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए. ठीक है, तो इन ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल डीओसी में एंगल डीओसी प्लस एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है. तो डीओसी ओडीसी एंड डीसीओ हमने लिया, तीनों एंगल ले लिए. डीओसी हमने अभी फाइंड किया 55 डिग्री. यहां पर मैं लिख देती हूँ ये कहां से आया है, एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, ये 55 डिग्री, ओडीसी डी गिवन है 70 डिग्री, ये देखिए 70 डिग्री, और प्लस डीसीओ फाइंड करना है. एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 70, ये दोनों ट्रांसफर हो गए. तो ये कितना आ गया, डीसीओ इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री हो गया. ठीक, अब हम यहां से सेकंड जाते हैं, कहां पर हमको जाना है, हमको फाइंड करना है ओएबी. ओएबी इस ट्रायंगल को फाइंड करना है. तो ये देखिए दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो क्या ये सिमिलर है. तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही हमारे पास दिया हुआ था कि ओडीसी और ओबीए, ओडीसी और ओबीए सिमिलर हैं. ठीक है, तो हम यहीं से क्वेश्चन से लेते हैं. ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ये गिवन है. हमको सारी चीजों के रीजन लिखना है साइड में कि कहां से हम ले रहे हैं. ये गिवन है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. तो यहां से देखिए ओ का करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल ए और डी का करस्पॉन्डिंग एंगल बी. ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, सी और ए इक्वल हैं, तो हमको ए वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ सी डी इक्वल ट्रायंगल ओ ए बी. ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों
सिमिलर है, ठीक है। तो यहां हम रीजन लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑफ टू सिमिलर एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तब फिर क्या हो जाएगा, यहां से COD इक्वल OAB और OCD क्या हम फाइंड कर चुके हैं, ये C हम फाइंड कर चुके हैं, DCO 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OAB, मींस एंगल OAB का वैल्यू 55 डिग्री, ठीक है। तो ये और ये तीनों फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।